ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं माउस के बारे में, जो कि हमारी इनपुट डिवाइस में से दूसरी डिवाइस है। यह माउस है जो आसानी से हाथ में आ जाता है। यहाँ हम जो पिक्चर देख रहे हैं, ये माउस की पिक्चर है और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा एरो से चलता है। अभी आप जो स्क्रीन पर घूमता हुआ एरो देख रहे हैं, इसे हम माउस की सहायता से घुमा सकते हैं। जिस दिशा में हम हमारा माउस घुमाएंगे, उसी दिशा में आपका एरो घूमेगा। अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। माउस के अंदर 3 बटन होते हैं। ये जो हैं, ये 3 अलग अलग बटन हैं और इन तीनों बटनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ये कहलाता है लेफ्ट बटन। दूसरा जो बटन है राइट हैंड साइड पर, इसे हम कहते हैं राइट बटन। और बीच में एक ये जो गोल बटन होता है, इसे हम स्क्रोल बटन कहते हैं। यह ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ऊपर नीचे घूम सकता है। मुख्यतया माउस का लेफ्ट बटन अधिक उपयोग में आता है। आइए अब सीखते हैं माउस के लेफ्ट बटन का उपयोग करना। जहां भी हमें कार्य करना हो, पॉइंटर को माउस की सहायता से हम उस स्थान पर ले जाएं। मान लीजिए हमें स्टार्ट बटन की सहायता से कुछ कार्य करना है, तो हम अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर ले जाएं और उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाएं, यानी क्लिक करें। ये देखिए, ये हमारे सामने स्टार्ट मेन्यू खुल गया। अब अगर आप इस मेन्यू से बाहर आना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ से बाहर आके किसी भी खाली जगह पर पॉइंटर को ले जाएं और फिर उसे लेफ्ट क्लिक करें। ये मेन्यू चला गया। अब मान लीजिए इस स्क्रीन पर हमें कुछ अलग अलग आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं, जैसे माय डॉक्यूमेंट्स, माय कंप्यूटर इत्यादि। अब इसमें से अगर आप कोई प्रोग्राम खोलना चाहते हैं, तो हम माउस के पॉइंटर को वहाँ पर रखेंगे और शीघ्रता से बिना रुके इसे 2 बार दबाएंगे, यानी डबल क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, ये माय कंप्यूटर विंडो आपके सामने खुल गई। एक बार फिर दोहरा दें, अगर आप आपके स्क्रीन पर जो आइकन्स हैं उसमें से किसी को ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए पॉइंटर को वहाँ रख के आपको लेफ्ट बटन को शीघ्रता से बिना रुके 2 बार दबाना होगा, जिसे हम कहते हैं डबल क्लिक करना। अगर आप एक बार दबा के छोड़ देंगे तो फिर आपका वो प्रोग्राम नहीं खुलेगा। अब आपके सामने ये जो विंडो खुली हुई है, अगर इससे आप बाहर आना चाहते हैं, तो आप देखें यहाँ पर एक लाल रंग का बटन है जिस पे क्रॉस लगा हुआ है, और जैसे ही आप पॉइंटर ले जाते हैं क्लोज लिखा हुआ आ जाता है। उसको आप एक बार लेफ्ट क्लिक कीजिए और ये हम उस विंडो से बाहर आ गए। अभी हमने लेफ्ट बटन की सहायता से इन प्रोग्राम्स को ओपन करना सीखा था। अब देखते हैं कि राइट बटन की सहायता से ये कैसे किया जा सकता है। अगर आप माई कंप्यूटर ओपन करना चाहते हैं, तो अपना पॉइंटर आप वहाँ पर ले जाएं और उसके बाद राइट बटन को क्लिक करें। जैसे ही आप राइट बटन क्लिक करेंगे, तो ये मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। इसमें सबसे ऊपर ओपन लिखा हुआ है। पॉइंटर को ओपन पर रखें और अब आप लेफ्ट क्लिक करें। ये देखिए, वापस से आपकी माई कंप्यूटर विंडो ओपन हो गई। और उसी तरह से जिस तरह से आपको बताया था, वापस बंद कर दें, इस क्लोज बटन पे जाएं, उसे लेफ्ट क्लिक करें, आप वापस बाहर आ गए। इस तरह से आपने देखा कि लेफ्ट बटन से जब आप किसी चीज़ को एक बार क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट होती है, डबल क्लिक करने से ओपन हो जाती है, और राइट क्लिक करने से उससे जुड़ी हुई मेन्यू आपके सामने आ जाती है। आइए अब सीखते हैं तीसरे बटन, स्क्रोल बटन का उपयोग। स्क्रोल बटन का उपयोग मुख्यतः 2 जगह पर होता है। अगर आप कोई तस्वीर देख रहे हैं तो उसे बड़ा करके देखने के लिए, और या फिर अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए, या कोई भी लिस्ट अगर है तो उसको ऊपर या नीचे करने के लिए। आइए देखते हैं कि किस तरह हम तस्वीर को बड़ा करके देख सकते हैं।
माय डॉक्यूमेंट्स में मान लीजिए आपकी कोई तस्वीर रखी हुई है, तो पहले डबल क्लिक करके माय डॉक्यूमेंट खोल लें। इसमें हम गए माय पिक्चर फोल्डर पर और यहाँ पर हमारे पास एक तस्वीर है। हमने इस पिक्चर पर डबल क्लिक किया और यह हमारे सामने आ गई, खुल गई। अब आपका जो स्क्रॉल बटन है उसको अगर ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये बड़ा होते जाएगा। ये देखिए आपकी पिक्चर बड़ी होती जा रही है। और अगर आप इसको वापस से नॉर्मल पोजीशन में लाना चाहते हैं तो इसे नीचे की तरफ घुमाते जाइए, तो वापस जो इसका साइज था उसी साइज में ये आ गई। तो इस तरह से इसको जूम इन और जूम आउट करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह से स्क्रॉल बटन का उपयोग किसी भी लिस्ट को ऊपर या नीचे पूरा देखने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फोल्डर्स की लिस्ट है, और मान लीजिए ये लिस्ट कंप्लीट लिस्ट नहीं है और एक बार में स्क्रीन पर आप इसे पूरा नहीं देख पा रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये स्क्रॉल बार है। या तो आप इसे इस पॉइंटर की मदद से ऊपर या नीचे सरका सकते हैं, और या फिर आप स्क्रॉल बटन का उपयोग कर सकते हैं। आप स्क्रॉल बटन को घुमाते जाइए और ये लिस्ट आपके सामने नीचे या ऊपर होती जाएगी। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार माउस की सहायता से किसी भी विंडो को एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग किया जाए या मूव किया जाए। यहाँ पर हमने नोटपैड विंडो खोल कर रखी हुई है। अब आप देख रहे हैं कि इस विंडो का जो स्थान है वो आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप इसे बीच में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप माउस की सहायता से पॉइंटर को इस नीली पट्टी पर यानी टाइटल बार पर लाएं, और जब आपका पॉइंटर यहाँ पर हो तब आप माउस का लेफ्ट बटन दबा दें, और दबाए हुए ही उसे जहाँ भी या जिस भी स्थान पर आप ले जाना चाहते हैं उस स्थान पर माउस की सहायता से घुमाएं या मूव करें। ये इस तरह से ड्रैग करके आप इसे मनचाही जगह पर ला करके और फिर छोड़ दें। अब ये आपकी विंडो मूव होकर के मनचाही जगह पर आ गई। अब अगर आप अपने माउस को इधर से उधर हिलाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ड्रैग करने के लिए ज़रूरी है कि पॉइंटर नीली पट्टी पर हो और आपका लेफ्ट बटन दबा हुआ हो।